गुलबर्गा शहर के टीपू सुल्तान चौक आई फिटनेस जिम बेग टावर में अलबेग फैमिली रेस्टोरेंट को नए बावर्ची और नए अरेबियन डिशेस के साथ रीलॉन्च हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन जनाब सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट के हाथों किया गया है। अलबेग फैमिली रेस्टोरेंट जून के महीने में देसी फूड खिचड़ी पाया जैसे डिशेस के साथ इनॉग्रेशन किया गया था और अभी कस्टमर्स की गुजारिश पर अरेबियन डिशेस में मटन मंदी, चिकन स्टार्टर्स और 555 फिश, अपोलो फिश, ग्रीन साल्टेड फिश जैसे और भी कई दीगर स्पेशल डिशेस के साथ अलबेग फैमिली रेस्टोरेंट को रिलॉन्च किया गया है। इस मौके पर चीफ गेस्ट जनाब सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट, अजीम शेख और आलमदार जैदी ने अलबेग फैमिली रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर को खूबसूरत इंटीरियर और बढ़िया स्वाद के साथ इसको रिलॉन्च करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा, गुलबर्गा शहर का टीपू सुल्तान चौक रेस्टोरेंट हब बन गया है और कई मुख्तलिफ रेस्टोरेंट यहाँ मौजूद हैं। इसके बावजूद अलबेग फैमिली रेस्टोरेंट काफ़ी कम वक्त में कामयाबी हासिल किया है और मजीद तमाम मेहमानों ने शहर की आवाम से गुजारिश कर कहा, एक मरतबा अलबेग फैमिली रेस्टोरेंट को ज़रूर विजिट करें, यहाँ फैमिली के लिए अलग सेपरेट सेक्शन बनाया गया है। आज यहाँ पर अलबेग अरेबियन रेस्टोरेंट को रिलॉन्च किया गया है एक नए अंदाज में और हमने खुद इसका जायका लिया, बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छा टेस्ट यहाँ पर हमको मिला है। मैं मुबारकबादी देता हूँ बेग साहब को, आपने बहुत यहाँ पर अच्छा एक सेटअप तैयार किया है यहाँ के लिए और ये जो लोकेशन है टीपू सुल्तान चौक, टीपू चौक के करीब बेग टावर्स आई फिटनेस के नीचे यहाँ पर उनका होटल है, रेस्टोरेंट है और ये पूरा तमाम ये एरिया, ये इलाका तकरीबन टीपू चौक के करीब करीब पूरे एक होटलों का, रेस्टोरेंट का एक हब बन चुका है और इतना रहने के बावजूद भी हर कोई अपना अपना कारोबार अच्छे अंदाज में कर रहा है। उसी साथ यहाँ पर भी अलबेग का रेस्टोरेंट जो खुला है यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर मेनू है, बहुत सारे मुख्तलिफ डिशेस यहाँ पर हैं और तमाम जितने भी डिशेस को हमने टेस्ट किया वो तमाम के तमाम बहुत ही बेहतरीन और उम्दा हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आइए, रेस्टोरेंट में आइए और बेग साहब की हिम्मत अफजाई कीजिए ताकि आने वाले दिनों में और नए नए डिशेस के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं बेग टावर में अल बेग के नाम से एक रेस्टोरेंट की इफ्तिताह हुई थी जिसमें आप तमाम को खिचड़ी पाया ये तमाम चीज़ें आपको वो लोग मुहैया करा रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा उसका टेस्ट था। उसके बाद में जो लंच और डिनर में काफ़ी अच्छे कुक्स लाकर फिर से इस रेस्टोरेंट को री इनॉग्रेशन किया गया है जनाब सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट साहब के हाथ से। आज यहाँ पर जितने भी सारे डिश हमने खाए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे और उम्दा वो तमाम डिश थे। मैं तमाम गुलबर्गा की अवामुन्नास से ख़ास तौर पर नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आप अलबेग रेस्टोरेंट पर विज़िट करें, यहाँ पर ये लोग जिस तरीके की मेहनत कर रहे हैं आप लोगों की खिदमत करने का एक मौका दें और यहाँ पर तमाम अरेबियन फूड्स ख़ास तौर पे ऐड किए गए हैं, चाहे वो मटन मंदी हो, चिकन मंदी हो और चिकन में जितने सारे स्टार्टर्स हैं सभी, उसके अलावा भी फ़िश में भी एक तीन चार वैरायटी के फ़िश आज हमें खाने को मिले। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह बेग साहब के इस कारोबार में खैर व बरकत अता करे, जो हलाल रिस्क की तरफ वो बढ़ रहे हैं उसमें उन्हें और तरक्की दे। जिस तरीके से वो लोग खिचड़ी पाए से अरबियन फूड पर आए हैं, मैं फिर उम्मीद करता हूँ कि फिर वो आगे चलकर चाइनीज़ भी इसमें शुरू करें। आज फिर से अलबेग रेस्टोरेंट जो पिछले कुछ दिन पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह खिचड़ी पाए के से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद आज अरबियन फूड्स के ज़रिए और इसमें कुछ वैरायटी बढ़ाकर, जैसा कि आज 555 फिश और अपोलो फिश, ग्रीन साल्टेड फिश, ऐसे कई तरीके के फिशेस और चिकन के वैरायटीज़ बढ़ाकर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से नए कुक्स लाकर स्टार्ट किए हैं। खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाए हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है, मंदी का भी बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं तमाम गुलबर्गा के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आए एक बार, हमारे रहीम बेग साहब और करीम बेग साहब जो इस होटल के मालिक हैं उन्हें आकर आपकी हिम्मत, आपके आपको खाने में नए नए किस्म के चीज़ें
जो आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, फैमिली सेक्शंस सेक्शन भी यहाँ पर अलग से है। एक बार आपके तमाम फैमिली के साथ आकर यहाँ का मज़ा लीजिए।